प्लीज गिव एन एनर्जेटिक इन वार्म वेलकम टू द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कास्ट 24 विक्रम चोपड़ा प्लीज हैव अ सीट थैंक यू आप थोड़ा सा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि आपने कब शुरुआत करी कैसे शुरुआत करी आइडिया आपके पास में कहाँ से आया ये कास्ट 24 का 2015 में शुरू किया आ, मैंने और मेरे तीन और दोस्तों ने और इसमें थोड़ा मिक्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस था जब मैं अपना एम बी करने वॉटन गया था वहां से जब बीच में ही आ गया था वो एक अलग कहानी है बट जब मैं पढ़ाई छोड़ के वापस आया तो उस टाइम पे पैसे तो थे नहीं जो थे, वो जो वॉर्टन में लगा दिए यूएस पढ़ाई में दिस इज इंटरेस्टिंग आप वाटन गए MBA करने के लिए और बीच हाँ, में छोड़ के आ गए हाँ वो मैं छह महीने में ही आ गया क्या रीजन आई वाइफ से मिल लिया तो मैं कहा, ये काम हो गया वापस आ जाता नहीं, नहीं मैं यू नो आई थिंक वो उससे एम बी ए करने से पहले जाने से ही मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा था मतलब मैं कर रहा था उससे पहले भी बट मैं एक वो नॉर्मल पाथ ले रहा था जो मेरे जैसे मेरे आस पास वाले ना सारे वो सेम ही रास्ते पर चल रहे थे सो दैट इज़ वॉट लेट टू कि मैंने सोचा यार मैं वापस आता हूँ और कुछ शुरू करते हैं तो वहाँ से शुरुआत हुई पहले एक फर्नीचर में कंपनी शुरू करी फिर वहाँ से कुछ जो लर्निंग मिली हमको लगा यार ये कार में ज़्यादा चलेगा और ख़ुद का भी एक्सपीरियंस था कि जब वापस आया था मैं एमबीए करके गाड़ी खरीदें तो पैसे थे नहीं तो अफोर्ड उस टाइम पर यूज कार ही कर सकता था मैं तो यार या ये इतना बड़ा मार्केट है मेरे ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी पहली कार यूज कार ही होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए मतलब इट्स अ फिनेशली भी ये बहुत सॉलिड डिसीजन है आप यू नो नई कार पे आप आठ लाख रुपए खर्च करो आपको सेम क्वालिटी की कार अगर आधे प्राइस में मिल जाती है तो आप क्यों पूरा पैसा खर्च करो वो पैसा आप अपने बिजनेस में लगा लो सेविंग कर लो कुछ और कर लो सो so, वो वहां से फिर शुरुआत हुई और फिर हमने कहा यार ये एक अच्छी प्रॉब्लम है एक बड़ा मार्केट है ग्रोइंग मार्केट है तो वहां से फिर की शुरुआत हुई दो में हमने वो डोमिनोज से इंस्पिरेशन लिया हमने कहा सेल योर कार इन थर्टी मिनट्स कि हम भाई आप आओगे हमसे आधे घंटे में आप गाड़ी बेच सकते हो तो फिर हमने वही बनाया कि आज अगर आपको गाड़ी बेचनी है हम आपको ऑनलाइन ही एक पहले प्राइस बता देते हैं कि आपकी गाड़ी को क्या मिलेगा और उसको भी हम अब इतना एक्यूरेट बना रहे हैं डेटा साइंस यूज करके कि आपको एग्जैक्ट प्राइस ही बता देगा आप पंद्रह सवाल के जवाब दो बिना गाड़ी चेक किए बिना गाड़ी देखे मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी का क्या प्राइस होने वाला है आपको अगर वो प्राइस सही लगता है आप हाँ करो एक बंदा आएगा गाड़ी चेक करेगा अगर गाड़ी की कंडीशन वही है जो आपने पंद्रह सवालों में भरी है तुरंत पैसे आपके अकाउंट में और गाड़ी हम ले लेंगे जब आपने शुरू किया इसको कॉन्सेप्ट को तब आपने कहा कि आपने गाड़ी खरीदने पे फोकस किया इन द सेंस के जो गाड़ी बेचना चाहते हैं उसके ऊपर आपने फोकस किया हाँ। तो वो गाड़ी खरीद कौन रहा था क्या आप ही खरीद रहे थे उनसे वो गाड़ी नहीं नहीं हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे गाड़ी हम कैसे खरीदते तो फे? ये भी ये भी यही कहीं ना बहुत सारी चीजें जब आप काम करना शुरू करते हो तो वन थिंग लीड्स टू अनदर आपको भी पता नहीं होता है तो शुरू में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम गाड़ी खरीदेंगे और हम ही फिर आगे बेचेंगे बट हमने कहा हमें कुछ आता तो है नहीं तो भाई सीखते हैं तो सीखने के लिए कहाँ जाओगे भाई यूज कार डीलर भरे हुए हैं हमारी दिल्ली में तो सबसे ज्यादा है तो मैं और मेरे को फाउंडर हम गए एक डीलर के साथ बैठे हुए थे दस पंद्रह मिनट बात हुई और अच्छे से बात कर रहा है चाय वाय पिलाई फिर एकदम से उसको फोन आया और वो भाग गया हम कहीं ये एकदम से क्या हुआ ये उठ के एकदम से भाग गया अभी तो बात कर रहा था एकदम से कहीं चला गया तो उसके दुकान पे एक असिस्टेंट बैठा था उसने बोला वो उस सर को लीड आ गई कार के लिए वो उसके लिए भाग गए तो वहां से फिर हमने बाद में सोचा यार ये गाड़ी की लीड आते ही हमको गेस्ट आके बैठे हुए हैं उनको अच्छे से अटेंड कर रहा है एकदम से उठ के भाग गया यार कुछ तो फिर फिर प्रॉब्लम है, है हाँ, वो बो, वो बोल खुद से नहीं बोल रहे थे वो खुद से नहीं बोल रहे थे कि गाड़ी की सप्लाई उनके लिए प्रॉब्लम है बट जब हमने ये बात करिए एक्सपीरियंस लिया तो हमको बाद में रियलाइज हुआ यार गाड़ी प्रोक्योरमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज फिर हमने सोचा यार एक सेलर सेलर दस लोगों से पंद्रह लोगों से बात करता है अगर आप में से किसी को गाड़ी बेचनी होगी आप यही सोचो ना मैं दस पंद्रह लोगों से बात करूंगा तो यार एक सेलर को जेनुइन बायर से अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हमने व्हाट्सएप से शुरू किया हमने क्या कि हम कस्टमर के हम पेट्रोल पंप पे जाके बैठ गए हमने अच्छा कोई वेबसाइट नहीं बनाई कुछ नहीं किया मेरा ना को फाउंडर मेहुल बहुत वो, उसका तेज दिमाग चलता है उसने कहा यार पेट्रोल पंप जाते हैं विक्रम उसने कोई मैथ करी कि 40 में से एक सेलर होता है गाड़ी का तो हर 40 कार में एक सेलर होता है एक पेट्रोल पंप पे जाके बैठ जाते हैं वहां पे चालीस सेलर में एक सेलर मिलेगा तो गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक, एक हमको पेट्रोल पंप पे हमको एक एक आंटी थी अच्छी सी उन्होंने एक छोटी सी जगह दे दी हम वहां जाके बैठ गए तो सौ डेढ़ सौ दो सौ लोगों से बात करी तो उसमें एक दो सेलर मिल गए कि की हाँ यार मैं देख रहा हूँ गाड़ी बेचने का हाँ हा। तो आपको चलो सेलर मिल गया अब करें क्या तो हमने फिर एक एक जो है कार एक्सपर्ट वैलुएटर को पकड़ा जिसको गाड़ी आती है उसको फिर हमने पंद्रह हजार रुपये सैलरी देना शुरू किया बस एक फिर उसने वो गाड़ी इंस्पेक्शन करी फिर हमने वही इंस्पेक्शन रिपोर्ट विच इज लाइक यू नो गाड़ी में स्क्रैच नहीं है इंजन ठीक से चल रहा है माइलेज इतना है माइलेज इतना है हाँ, इतनी चली हुई ये है मॉडल है हाँ, राइट ये कलर है ये हाँ, चार फोटो है वो हमने है, हाँ, पे डीलर्स को भेजना शुरू करी ठीक है इंस्टेंट रिस्पॉन्स तो यहां से हमने शुरू इनफैक्ट हमने अपनी पहली दो सौ तीन सौ गाड़ियां ऐसे ही खरीदी है फिर व्हाट्सएप पे खरीदी नहीं, नहीं है आपने एक तरीके से उसकी डील करवाई है हमने डील करवाई है बट कस्टमर को लग रहा है कि हमने खरीदी आ, ओके, क्योंकि कस्टमर ओके। के लिए तो वो कभी किसी से मिला ही नहीं उसने तो सिर्फ हमको बेच दी तो इसलिए हमारी इंटरनली लैंग्वेज में हम यही बोलने लग गए खरीदी बट यू आर राइट कि हमने वो डील करवाई है बट वो डील इज सीमलेस आप एज अ सेलर आप कभी डीलर को नहीं डायरेक्ट पेमेंट आप करते हो सेलर है सेलर को हम पेमेंट करते हैं बट पीछे हमें पेमेंट आ गई होती है

बिल्कुल इसको बोलते हैं सुखी कमाई <laughs> सुखी भी बोल सकते हो और सुखी भी बोल सकते हो राइट <laughs> फिर हमने ऐप बनाई फिर हमने कहा यार इतना सारा डेटा है इसको डेटा को यूज कैसे करें फिर हमने अपनी एक डेटा साइंस की टीम बनाई जब इनफैक्ट हमने ऐप बनानी शुरू करी तो कन्वेंशनल सबकी यही थी हमको हर किसी ने मना किया ऐप मत बनाओ कोई डीलर ऐप नहीं यूज करेगा और हर किसी ने सौ में सौ लोगों ने यही बोला बट हम बोल रहे थे यार ये बाहर लोगों को ये लगता है हमको अंदर दिख रहा है जिस स्पीड से वो प्राइस दे रहा है तो हमको पूरा विश्वास था कि नहीं ये चलेगा वो वही हुआ हमने वो ऐप लगाया और वो फटाफट चला यहाँ तक आपने फंडिंग खुद ही मैनेज कर रहे थे या अभी कोई खुद ही कर रहे थे जब हम ये चार पांच महीने हो गए हमको तो हमको लगा कि यार हमारे पास एक कोई जैकपॉट है ये गोल्ड माइन है तो हमने ना बहुत नॉन कन्वेंशनल एक चीज सोची हमने कहा हम अपने स्टार्टअप को स्टेल्थ में रखेंगे शांत रहेंगे कुछ किसी को बताएंगे आइडिया कोई, कोई और बनाना ना शुरू कर दे तो हमने 2015 से 18 तक तो हम लिटरली स्टेल्थ में रहें तो तीन साल तक लोगों का यही विश्वास था कि कोई छोटी सी कंपनी को ट्राई कर रही है इनका कुछ हो नहीं रहा है या या हो सकता है 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 कोई कोई डीलर डीलर कुछ है कुछ हो नहीं रहा है तो किसी को पता नहीं था कि अंदर ही अंदर कि हम चार पांच हजार गाड़ी उस टाइम पे महीने की बेच रहे हैं बिना किसी फंडिंग के या फंडिंग हमने ले ली थी बट वो भी कभी अनाउंस नहीं करी अभी आप देखो ना बहुत सारे लोग फंडिंग होने से पहले स्टार्टअप रजिस्टर करने से अपने फायदे हाँ। हमारा इससे क्या हुआ कि हम पूरा ना बहुत ही इनवर्ड फोकस्ड हो गए राइट तो इसके दूसरे फायदे ये हुए हमने तो पहले ये सोचा था कि हमें किसी को बताना नहीं है किसी को पता ना चले बट इसके दूसरे फायदे ये हुए की फिर हमारे भी जो लोग थे वो सारे सिर्फ काम पे फोकस थे। वो कोई इस पे फोकस नहीं किया ये हुआ कि लोग जो हमको ज्वाइन करे सर वो इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि फंडिंग आ गई है कंपनी में वो इसलिए ज्वाइन करे कि क्योंकि उनको लगा यार आइडिया अच्छा है और कितनी बड़ी टीम हो गई आपकी तीन साल में तीन साल में होगी कुछ तीन लोगों की टीम तीन सौ लोगों की आपकी टीम हो गई और आप महीने की पाँच छह हजार गाड़ियाँ बेचने लग गए थे तब तक 2018 तक तो था था और तब तक आप कितना पैसा उठा चुके थे तब तक हम चार सौ करोड़ के आसपास उठा और किसी पता ही नहीं लगा किस, किसी को नहीं पता था मेरे आसपास दोस्तों को नहीं पता था चार सौ करोड़ आपने फंडिंग उठाई थी एट वॉट वैल्यूएशन

राइट तो हमको जो हेड स्टार्ट मिल गया जो एक लीड मिल गई वो लीड बहुत काम आ रही है हमारे ठीक है हवा कार मार्केट ना सिर्फ इट्स नॉट अबाउट बाइंग और सेलिंग उसमें फाइनेंसिंग भी आ जाता है उसमें इंश्योरेंस भी आ जाता है फिर एक कस्टमर गाड़ी खरीदता है तो उसमें फिर उसको चार साल सर्विसिंग भी करानी होती है आपकी कार में स्पेर्स लगते हैं आप जो एक्सेसरीज़ लेते हो म्यूजिक सिस्टम लगवाते हो वो कहीं बन रहा है तो ये जो आप अगर इस पूरी मार्केट को देखोगे तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज की तो गाड़ियां बिक रही हैं मार्केट में एवरी ईयर दिस इज यूज कार मार्केट इज बिगर देन द न्यू कार न्यूक अबाउट इंडिया इंडिया सिर्फ hmm. इंडिया की बात कर रहा हूं ah, राइट और okay. ये तो सिर्फ खरीदने बेचने की है वो मैं पीछे की मार्केट और ऐड करूंगा तो सौ तो बिलियन का मार्केट है इंसान सबसे पहले जब उसके बाद थोड़े से भी पैसे होते हैं सबसे पहले गाड़ी ही लेता है गाड़ी लेगा या बाइक लेगा क्योंकि घर लेने के लिए एक, एक स्टेज थोड़ी लेटर आती है ठीक है और यूज केस बदलते रहते हैं शुरू में आप अपने लिए ले लेते हो कि भाई मैं ड्राइव करूंगा अपना दोस्तों के साथ घूमूंगा फिर शादी हो जाती है तो फिर आपको अपनी फैमिली के लिए चाहिए फिर बच्चे हो जाते हैं फिर तो बिल्कुल ही गाड़ी चाहिए कि भाई स्कूल जाना है आ, काम करके काम करने तो यूज केसेस भी बदलते रहते हैं आपके राइट ये तो सभी ने एक्सपीरियंस किया है सब आ, ने तो आई एम नॉट श्योर बट मैंने तो ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जैसे गाड़ी में लेता हूँ अपने लिए ले, लेकिन बाद में फैमिली में कोई ना कोई आ करके उसमें कब्जा कर लेता है और मैं सड़क पर आ जाता हूँ फिर मुझे फिर से बैक टू स्क्वायर वन के वापस से सोच कि अब कौन सी गाड़ी लेनी एनी हाउ

अंडरस्टैंडिंग है हमारी गाड़ियों की हुँ। राइट उनकी गाड़ियों से बेटर हम उनकी गाड़ियां आप समझते हैं क्योंकि ये एक तरह का ऑप्शन हमने बना दिया तो जितना डेटा हमारे पास है कि आज जो मैं आपको बताऊं कि मैं बिना आपकी गाड़ी देखे गाड़ी का प्राइस दे सकता हूँ वो इसीलिए क्योंकि हमारे इतना डेटा है बट हमने काफी नई चीजें शुरू कर दी है तो हमने कहा कि यार अब हम इंडिया में जो बना रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं कर रहा तो वहां पे करते हैं तो हमने ऑस्ट्रेलिया लॉन्च करा है दो साल पहले Uh, similarly UAE तो हमने और, और, तो right? और रेवेन्यूज कितनी है आपकी रेवेन्यू हमारी ऑलमोस्ट अम मतलब सात आठ हजार करोड़ की गाड़िया बेचते हैं साल की बार एक क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ही कॉमन है और हर एक के माइंड में चलता रहता है

ये तो मीडिया में ही आ चुका है हम हम ऑलमोस्ट बिलियन रेस कर चुके हैं टोटल मनी इन आर इन आर एग्जिस्टेंस राइट बट उसका आधा तो हमने यूज नहीं किया है तो आधा पैसा मतलब हमारे पास चार हजार करोड़ तो अकाउंट में है यहाँ बांट दो इन लोगों को मतलब देखो ना कितनी उम्मीद से आप लोगों को देख रहे हैं। बहुत उम्मीद है इन लोगों की आंखों में बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं

तीस uh, लाख गाड़ियां बिकती ओके राइट तो तीस लाख गाड़ियां साल की बिकती हैं तो महीने की आपकी मान लो तीन लाख नो ढाई लाख गाड़ियां बिकती हैं राइट और तीन करोड़ गाड़ियाँ हैं इंडिया में Yes. तो ती, अगर ती, तीस लाख गाड़ियाँ रही हैं तीन करोड़ में तो दस में से एक बिक रही है तो ये मैं थोड़ा पेट्रोल सौ डेढ़ सौ लोगों से बात करी थी जिसमें से एक दो लोगों ने हाँ कहा था बाकी एक्सप्रेशन था जब आप उनको जाकर के बोलते थे आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो क्योंकि कुछ लोगों को अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार होता है मैंने देखा है कि पचास पचास साल तक लोग गाड़ी को बच्चे की तरह करके रखते है तो जब उनसे आप उनके बच्चे को बेचने की बात करते थे तो उनका क्या एक्सप्रेशन होता था मैं वहीं वही से हमारा ये येलियोकार इन थर्टी मिनट्स का प्रोपोजिशन आया कि ये जब वो एक दो लोगों से बात करी कुछ लोगों से बात करी तो हमको लगे कुछ हुक तो बनाना पड़ेगा हाँ। क्योंकि आप नॉर्मली जाके बात करोगे तो फिर आप तो वैसे ही हो कोई भी आके सर गाड़ी बेच रही है करना है राइट आप कोल्ड कोल्ड मार्केटिंग कर रहे हो आपका हाँ। को कोई कॉन्टेक्स नहीं है हाँ। तो फिर हमने उनको ये प्रोपोजिशन दिया कि भाई हमारा एक ये नया कॉन्सेप्ट है कि तीस मिनट में आपकी गाड़ी बिक जाएगी और आपको एक नो कमिटमेंट प्राइस मिलेगा जिसपे आप हाँ या ना कर सकते हो कोई प्रेशर नहीं है बट अगर आप हाँ करोगे तो इंस्टेंट मनी भी मिल जाएगी और customer, ये आपने सिर्फ आपने सिर्फ के थ्रू कम्युनिकेट किया और, और जानना चाहूंगा कि ये जो शुरू के छह महीने थे आपको याद है एक्जेक्टली exactly आपने कितनी गाड़ियां बेची पहले पंद्रह बीस दिन मेहुल तो मैं क्या मैं बहुत सारे सेंट्रल काम देख रहा था कुछ हायरिंग वगैरह के मेहुल को फाउंडर वो फील्ड पे था दस पंद्रह दिन हो गए हमने गाड़ियाँ इंस्पेक्ट करना शुरू कर दी कस्टमर इंस्पेक्ट कराए थे एक भी गाड़ी नहीं कन्वर्ट हुई राइट तो मेहुल का मुझे फ़ोन आया कि बिल्कुल ही यू you नो know, डीमोरलाइज किया यार ये नहीं हो रहा कुछ और ट्राई करते हैं फिर मैंने उसको फोन पे प, पाँच मिनट दे दिया पूरा मोटिवेशनल स्पीच कहा यार पाँच लाख रुपए तो पढ़े एक दो दो तीन लाख रुपए की तीन चार गाड़ियाँ खरीद लेते हैं खुद से खरीद लेते हैं फिर बेचने की कोशिश करते हैं कुछ सीखेंगे क्या होगा लॉस हो जाएगा दस परसेंट का दो लाख के बीस का लॉस हो जाएगा तीस का तो वो हमने दो तीन गाड़ियाँ खरीद ली उससे क्या हुआ हमको कॉन्फिडेंस बढ़ गया फिर इन्होंने और समझना शुरू किया प्रॉब्लम क्या है हम गाड़ी के इंस्पेक्शन में ये चीज ढंग से नहीं देख रहे हैं इसको और ढंग से देखो कस्टमर की फिल्टरिंग और ढंग से कैसे करें राइट और डीलर्स को कैसे प्लेटफॉर्म पे अपने व्हाट्सएप चैनल पे ऐड करें राइट तो वो सब चीजें करी और वो करने से पहले पंद्रह दिन हमने ये एक भी गाड़ी नहीं खरीदी आई थिंक अगले तीस दिन में उसने कुछ पंद्रह बीस गाड़ियां खरीद ली थी

अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहोगे आप मेरे फादर ने कार ली थी देन आफ्टर इयर्स हमने सोचा नई कार लेते हैं देन आई यूज कर लीजिए एंड विद इन डेज हमारी कार सेल हो गई एंड काफ़ी अच्छा प्राइस मिला सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर्विस काफी अच्छी थी थैंक यू सर अब वही तो नहीं थे वो जो पेट्रोल पंप पे जिन्होंने पचास परसेंट नुकसान हुआ था क्योंकि किसी और को फायदा हुआ था नहीं, right? <laughs> इनका नुकसान किसी और का फायदा <laughs> नहीं, नहीं, नहीं नहीं है ना प्रॉपर चैनल के थ्रू बेची आपने जी जी इनका जो था सर आज okay. तक आपने जब से भी शुरू किया है कुछ फनी हो, हो या बेस्ट वन आई रिमेम्बर इज एक uh, अंकल आए हमारे मतलब के होंगे वो गाड़ी बेचने आए बॉम्बे में उन्होंने इंस्पेक्शन करवाया प्राइस पे हाँ कर दिया गाड़ी बेच के चले गए आधे घंटे में हिज डॉटर केम टू आर सेट कि वो हमारी सुबह लड़ाई हो गई थी पापा से पापा गुस्सा हो गए <laughs> <पापा laughs> बाढ़ में गई तुम्हारी गाड़ी मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए जो भी हुआ मैं अपने अपने मेरे पास अपने पैसे उन्होंने आई गाड़ी बेची और कहा कि प्लीज़ आप ये गाड़ी हमें वापस कर दो ये तो फिर हमने कहा ठीक है यार आप अच्छा वापिस, आपने वापस कर दी <laughs> आपने वापस कर दी बट बट इस तरह के कई बार केसेस हुए हैं और एक बार नहीं कई बार केसेस हुए हैं जब की प्रोसेस इज सो इजी एंड एंड फास्ट कि लोग आके गाड़ी बेच देते हैं फिर उनको रियलाइज होता है कि यार नहीं हमको नहीं बेचनी है क्या कभी ऐसा हुआ है आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड राइट नाउ कि जैसे गाड़ी है पिताजी के नाम पे और बेटे ने आकर के बेच दी हो नहीं आई एम श्योर कोशिश तो करी होगी मतलब बच्चे कई होते हैं बड़े खुराफाती होते हैं यहाँ भी बैठे होंगे ये तो फ्रॉड भी होते हैं इस तरह के <laughs> फ्रॉड होते हैं <laughs> वही वही राइट तो उसमें आपने किसी की गाड़ी चुराई अच्छा हाँ कार ट्वेंटी को बेच दी जाके बट ऐसे कैसे भेज दी पेपर्स भी तो, तो चाहिए तो वही कर करके कर आप सीखते हो ना हाँ, तो हाँ, अब हाँ, हमने वो हाँ, अब हाँ, हमने okay. उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए कि भाई हाँ, हाँ. पैसे किसके अकाउंट में जा रहे हैं उसका right. पैन आईडी है या नहीं है वो मैच होना चाहिए वो हुँ. मैच हो रहा है उसका जिसके डैड और सन है तो रिलेशनशिप कैसे प्रूव हो रही है तो वही अब सीख सीख के आप लगाते हो शुरू में तो ऐसे भी केसेस हुए जहां पे कस्टमर ने बोला भाई साहब वो मेरी गाड़ी थी आपको कोई और बेच के चला गया वापस करो गया। <laughs> तो हमारे पैसे भी गए और गाड़ी भी गई oh, राइट क्योंकि ah, आपकी गाड़ी आप वापस ले गए पैसे ah, कोई और ले गया ah, तो, तो गाड़ी भी गई और पैसे भी गए right. तो राइट क्योंकि यहाँ पे दो नंबर काम भी बहुत होता है ना मतलब बहुत तरह तरह के लोग हैं तरह तरह के प्राणी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है की यू नो जब भी हम कोई आइडिया डिस्कस करते थे इंटरनली या बाहर भी रही तो लोग सबसे पहले कहते हैं ये मत करो क्योंकि यू नो इसमें फ्रॉड होगा बट यू नो रियालिटी में फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं एक डेढ़ उसके चक्कर में right. आप निन्यानवे के लिए आप एक रूल नहीं बना सकते जैसे तो हम इंटरनली इम्प्लॉज के साथ अपना पूरा डेटा शेयर करते हैं कि क्या रेवेन्यू है क्या प्रॉफिट है अब हम क्या हम ऑनलाइन डीलरशिप भी है कुछ गाड़ी हम डायरेक्टली कस्टमर को भी बेचते हैं क्योंकि खरीदना गाड़ी भी तो प्रॉब्लम है सर्टिफाइड right? गाड़ी सर्टिफाइड गाड़ी राइट राइट right? right. तो हमारा उसमें एक हमारी एक है कि हम हम करते हैं सेवन डेज नो क्वेश्चन अगर आपको आप गाड़ी रखो सात दिन कोई रीजन आके कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है आपको अगर नहीं समझ में आ रही गाड़ी आप वापस कर दो अब वो वो चाहे प्राइस था वो कलर था वो आपके घर वालों को पसंद नहीं आई आपको नहीं पसंद आई आपने राइड के लिए गाड़ी ली थी कि, कि कार दे रहा है दिन के लिए ले, ले, ले लेता हूँ जो भी रीजन था राइट मैटर बट अगर आपको सात दिन में गाड़ी रिटर्न मेंंड्रेड परसेंट ऑफ द मनी हंड ऑफ रिटर्न नो क्वेश्चन आर हम आपसे पूछते भी नहीं है कि आप क्यों रिटर्न कर रहे हो गाड़ी मुझे पता आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है गाड़ी लो एक दो लाख रुपए में सात दिन घुमाओ घुमाने के बाद वापस अब, अब तो <laughs> <laughs> लेकिन इतना आसान होगा नहीं आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर क्योंकि पूरा प्रोसेस होगा जब आप रिटर्न करने आओगे तो कुछ ना कुछ नहीं नहीं। तो होगा कुछ मतलब इमीडिएटली कितने दिन में पैसे वापस मिलेंगे तुरंत

तब तक कस्टमर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा अब जो टाइम है वो बदल चुका है वो वाला टाइम नहीं है लेना भाड़ में ऑफर कि किया जाए ये अज्यूम करके नाइनटी नाइन परसेंट होंगे जो ऐसा कुछ सोचेंगे मैं भी मजाक कर रहा था कहीं सीरियस होकर मेरी शॉर्ट्स बना करके कहीं लोग डाल दें वीडियोज में संदीप सर कुछ जरूरत से ज्यादा ही जुगाड़ू बन चुके हैं सर मेरा नाम तुषार गुप्ता है हाँ हा। और पूछना सर मुझे ये है कि आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आ, कि आप जब एड्स वगैरह चलाते थे तब गूगल पे ऑप्शन नहीं था तो पूरे एनसीआर में चलती थी तो मतलब मैं जितना नहीं, पे नहीं, था। पे, नहीं था। पे पे ऑप्शन था था उस टाइम ओके तो आपका बिजनेस एक तरीके से लोकेशन बैरियर था आपके में कि आप स्टार्टिंग में अब डीलर्स जब कनेक्ट किया होगा तो डेली के डीलर्स होंगे और डेली वाला कोई कस्टमर है तो वो डीएल की ही गाड़ी लेगा तो फॉर एग्जाम्पल आपका कहीं ऑनलाइन प्रेजेंस देख के किसी चेन्नई वाले बंदे का कॉल आ गया तो अब लॉन्गर विजन तो होती है उस टाइम पे कि मुझे पूरे इंडिया में एक्सपेंड करना है या पूरा एक बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो कि मुझे पूरा बड़े लेवल पे लेके जाना है तो फिर उस लीड को क्या हैंडल करते थे है? आप मना कर देते थे उसको कस्टमर को कि हम नहीं कर सकते आज तक मना ही करते आ रहे हैं बहुत सारे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत कमर्शियल कार्स भी आ जाती हैं बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं बट हमने अभी भी हम उसमें घुसे नहीं है अब क्यों hmm. नहीं घुसे वो एक अलग सवाल है बट अनफॉर्चुनेटली हमें उनको ना ही बोलना पड़ता है और मार्केटिंग का जो आप पॉइंट बोल रहे हो मुझे एक्चुअली उसकी वजह से फेसबुक मार्केटिंग बंद करनी पड़ी थी क्योंकि उसमें मैं टारगेट नहीं कर पा रहा था फिर मैंने जो है अपने एक दोस्त की मदद लेके फिर गूगल शुरू किया क्योंकि उसमें टारगेटिंग पॉसिबल थी ज्यादा राइट जीएम बी पे ज्यादा फोकस किया क्लासिफाइड से फिर किया सोसाइटी में जाके एक्टिवेशन किया तो फिर वही फोकस किया कि वो पैसे उस लीड पे ना खर्च करो जिस पे आप को सर्विस भी नहीं कर पा रहे बिकॉज पैसे भी खर्च हो रहे हैं और कस्टमर भी नाराज हो रहा है राइट तो आप दोनों तरफ से जो है है यू आर एट अ लॉस प्लस ये एक बहुत बड़ा लेसन है आप सबके लिए आई एम श्योर ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आई आई कैन अंडरस्टैंड किस स्टैंड पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो यू आर आस्किंग बिकॉज क्या होता है जब हम एक काम को शुरू करते हैं तो हमारे पास में जब भी कोई कस्टमर आता है तो ना कहना बड़ा मुश्किल तो लगता है। तो हाँ 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 की कोशिश करते हैं और कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते हैं तो यू मस्ट क्लैरिटी एज फार एज कि मुझे क्या टारगेट करना है और उसके बाहर जो भी कुछ है उसको ना बोलने के लिए तैयार रहना है ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है नॉट आगे जाकर के क्योंकि आगे जाकर के तो जैसे आपका बेस बढ़ेगा

कार्स आई एम श्योर आपके भी माइंड में कई बार okay, आया okay. होगा wow. क्योंकि लग्जरी कार आप मान करके चलो अगर कोई पचास लाख की गाड़ी है yeah. तो वो एकदम ही टूटती है बीस yeah. लाख पे आ गई तो Correct. उसमें मार्जिन भी मोटा है Correct. क्योंकि जो लग्जरी कार खरीदने आ रहा है वहां पे मार्जिन भी मोटा है दो लाख की गाड़ी में क्या मार्जिन होगा बीस तीस हजार रुपए का वहां पर मार्जिन भी दो लाख तीन लाख चार लाख का मार्जिन है तो उधर मार्जिन ज्यादा है अपॉर्चुनिटी बड़ी है लेकिन ये कह रहे हैं अभी नहीं करना है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजी बिकॉज ऑफ देयर विजन तो ये विजन और ये स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है ये ना बोलना बहुत जरूरी है यू मस्ट ऑल लर्न टू से नो इन योर लाइफ इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन बिजनेस ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस कॉन्वर्सेशन लेट्स एंड दिस सेशन लेट्स बिग राउंड ऑफ फॉर हिम थैंक यू सो मच सर यहां पर आने के लिए